तो फिलहाल गाइस मैंने आरसी कार मंगाई थी ना भाई, इसका मॉडल देखो भाई, लुक वाइज गाइस देखो भाई कितना है ना डिफरेंट, पर जस्ट भाई ये चीज दिख रही है फिर से भाई, वही सेम चीज हुई है जिस हमने पहली बार मंगाई थी जिसमें हमारे साथ स्कैम हुआ था। दोबारा गाइस वही कार सेम वही भेज दी हमको। चलो आपको मैं दिखा रहा हूं अनबॉक्सिंग करके। हेलो गाइस, क्या तो आप सभी लोग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी एनर्जी कहाँ से आई भाई। अभी है ना सीन ऐसा है भाई, फिलहाल अभी है ना रात के 9 बज रहे होंगे और देखो घर पे ताला है ना भाई, देखो तो सब लोग जा चुके खेत पे, मैं अकेला घर पे हूँ, वो वाली एनर्जी नहीं है। तो घर पे हूँ ना, तो अभी वीडियो एडिट कर रहा, मैं भी ज़्यादा बना मेरा वीडियो एडिट करना है ना भाई, तो हाँ इस वजह से मैं भी नहीं गया, बाकी सब लोग जा चुके खेत पे, तो मैं चलता हूँ भाई अपने, तो मैं चलता हूँ भाई अपने एडिटिंग में भी एडिट करना, क्योंकि आपके लिए वीडियो अपलोड करनी है गाइस, वीडियो आनी चाहिए टाइम से, बाकी एडिट करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। चलो और एडिट करके भाई मैं आया फिर सीधा खेत पे, ज़्यादा व्लॉग भी मैंने नहीं किया था वहाँ पे। और देखो भाई फुल हो गई थी भाई गड्ढा पानी से, आधे घंटे में हो गई थी, फिर हमने यहाँ पे पानी अपना मशीन चालू किया, फिर खेत में सीधा पानी चला गया और ज़्यादा व्लॉग नहीं किया भाई मैंने। ऑलराइट गाइस, पानी आ चुका है, फिलहाल अभी भाई रात के 11 बज रहे होंगे और पानी फाइनली अपने खेत में आ चुका है। और जैसे ही मेरा एडिटिंग ख़त्म हुआ ना, तो तुरंत में भाई खेत पे आ गया। 2000 years later। गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट भाई सुबह सुबह पे उठा हूँ अभी, और भाई देखो बादल देखो भाई कितना क्लाउडी है ना, ऐसे बारिश वाला सीन। हाँ बारिश तो भाई हुई नहीं है, छाड़े छाड़े से आई थी फिर भाई चली गई, छत पे चल रहे भाई ऊपर से कैसा दिखता है भाई देखो, है ना बादल रखे भाई बारिश वाले, कभी बारिश हो सकती है, बाकी पानी रखा है भाई आपने देखा है कल रात को हम गए थे। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपनी आरसी कार लेने, वो आ चुकी है, मतलब कि 10 बजे तक आ ही जाएंगी, तो मैं जा रहा हूँ भाई आरसी कार लेने के लिए, तो आरसी कार भी दिखाएंगे और उसको अच्छे तरीके चलाएंगे भी। बाहर नहीं बनेगा यार, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? एटीएम में जाके बोलना, सुनो मेरी बात सुनो, एटीएम में जाने का जो एटीएम के बाहर चौकीदार बोलता है बैठता है ना, उसको बोलने का वो बना देगा। बैलेंस डालते हैं नहीं। तो फिलहाल गाइस मैंने आरसी कार मंगाई थी ना भाई, इसका मॉडल देखो भाई, लुक वाइज गाइस देखो भाई कितना है ना डिफरेंट, पर जस्ट भाई ये चीज़ दिख रही है फिर से भाई, वही सेम चीज हुई है जिस हमने पहली बार मंगाई थी जिसमें हमारे साथ स्कैम हुआ था। दोबारा गाइस वही कार सेम वही भेज दिया हमको। चलो आपको मैं दिखा रहा हूँ अनबॉक्सिंग करके कि हमको क्या भेजा इन्होंने भाई, इसको है ना 10 दिन का रिप्लेस है भाई, तो इसको रिटर्न भी कर देंगे। देखो उसमें तो भाई नेक्स्ट लेवल है, देखो ये सब दिया गया है ना, बॉक्स ही अलग है भाई इसका, तो इसका बॉक्स ऐसा आता है भाई, इसको काटते हैं और आपको खोल के दिखा रहे भाई। आई डोंट नो भाई इमेजन वाले कैसे भाई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ और है और कुछ भेज रहे हैं, कुछ अलग भेज रहे हैं। देखो इसका बॉक्स देखो कितना डैमेज हो रखा है ना भाई, देखो ये पिछली बार हमने मंगाया था ना भाई आरसी कार्ड, उसमें भी फोटो अलग था, और इस बार वही सेम कार्ड भेज दिया हमको। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई खोल के क्या क्या चीज़ें। तो भाई ये देखो वही सेम कार भाई, वही भेज दी हमको, इसको हम ना फुल यूज करके भेजेंगे वापस, देखो है ना देखो वही है भाई, तो वही सेम आरसी कार है गाइस, हमने पिछली बार मंगाई थी ना, तो देखो किसका खाना हजम नहीं हो रहा है तो गाइस किसका खाना हजम नहीं हो रहा है ना भाई, ये चीज ले लो भाई खाने के बाद ये 2 बूंद ले लो और हो जाएगा खाना हजम। अरे हमारे नए यूट्यूबर आए, कैसा लगा? चलाऊं इसको एकदम घटिया निकली गई कार है, कैसा लगा समझाओ, मैं चला के देखूं। ठीक है लो करो अनबॉक्सिंग। हां डाइजिन देना बैटरी इसका, इसको खोलना पड़ेगा ना? नहीं नहीं रुकिए पहले ये सारी चीज समझाइए पहले, ये क्या है समझाओ ऑडियंस को समझाओ। नहीं ये रिमोट है? नहीं नॉर्मल चीज होती है ना भाई, ये होती है एक बैटरी रहती है और इसका जो पहिए बैग खोल ले हो और फिर ये कार हो गई हमारी।
ये भी भाई बहुत नेक्स्ट लेवल होती है ये रिमोट वरना जो हमको इमेजन में दिखाई गई थी ना भाई कि ये सारी चीजें है और ऐसी आएंगी वो चीज तो भाई होती ही नहीं है इनके पास। स्कैम ही होता है भाई इसके साथ तो। चलो भाई 10 दिन का रिप्लेसमेंट है तो भाई हम लोग है ना उसको 10 दिन यूज करेंगे पहले यूज करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे रखना है कि नहीं रखना फिर लास्ट में इसको डिसाइड करेंगे। कुछ ऐसा है भाई ये लो भाई इसकी लंगोट खुल गई है यहाँ से इसकी स्पीड और इसकी हो गई है भाई देख लो यहाँ से इसकी स्पीड और यहाँ से इसका जो स्टेरिंग है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन और ये स्टेरिंग है भाई और ये एक्सीलरेटर है और ब्रेक है। चलो इसकी हाई स्पीड का डिजाइन है हाई स्पीड है ये। चलो अभी है ना देखना गाइस तो भाई वहाँ पे मेरी अपनी आरसी कार है वहाँ पे नीचे गिर गई भाई। चलो अभी हो गया तो गाइस अभी फिलहाल इसको पैकअप कर दिया है अभी लेके चल के इसको घर पे बाकी भाई इसका रिटर्न का पॉलिसी है ना तो उसको रिटर्न कर देंगे क्योंकि जो हमको चाहिए थी वो आरसी कार हमको मिली नहीं क्योंकि एक कार तो मैं यूज कर चुका हूँ और भाई क्या घटिया सी है बैटरी भी खत्म हो जाती है भाई और ऑलमोस्ट 5 मिनट चलती है फिर खत्म। तो हाँ भाई वो जो आरसी कार हमने सोची थी ना जो फोटो दिखाई थी भाई वो आई नहीं है भाई ऐसे अमेजोन पे स्कैम होता रहता है तो आप लोग भी देख रहे हो ना भाई कि अमेजोन पे आपका आरसी कार्ड मंगा ले रहा हूँ भाई चलो मस्ट वाली अच्छी प्राइस में मिल रहा है भाई मत मंगाओ भाई यही आपको भेज देंगे भाई ये देखो यही भेज देंगे हमको दो बार हमने मंगाया ना दो बार यही कार्ड भेज दिया भाई आप लोग भी अमेजोन से मंगा चलो भाई मत मंगाओ क्योंकि बाहर का जो प्रोडक्ट होता है ना भाई बाहर से ही इम्पोर्ट होता है बाकी देखते हैं भाई बाहर से इम्पोर्ट करा रहे या फिर देखते हैं भाई जो भी होगा बाकी इस आरसी कार्ड को हम रिटर्न करने वाले हैं क्योंकि बहुत ऐसे घटिया सी लगे हमको तो ठीक है देखो तो भाई आरसी कार्ड मैंने आगे रख दिया अभी चलते हैं भाई घर की तरफ लेट्स गो गाइस। तो भाई फिलहाल मैं तो घर पे आ चुका हूँ और भाई इसको लेके चलते खेत पे अभी तो भाई क्या चमक सी लग रही है ना नई सी देखो अभी भाई गंदी भी नहीं रखी है तो मैं चल रहा भाई खेत पे चल रहा फटाफट यहाँ पे एक चालू यहाँ पे दिन भी आपको भाई दिन में ना क्लीन दिखता रहेगा भाई रात को भाई कुछ दिखता ही नहीं है भाई इसमें यहाँ पे तो रात को फिलहाल कोई भी चीज़ें नहीं है। ऑल राइट गाइस फिलहाल भाई देखो भाई कल रात को हमने रखा था वो देखो पानी पूरे खेत में ना फैल रहा है भाई धीरे धीरे करके तो भाई देखो ये सारा उस तरफ जितना भी दिख रहा ना वो सारा सब कुछ है ना पानी से वैसे भीग गया है अभी ये वाला जो है ना ये सूखा पड़ा है तो अब मैं दिखा रहा हूँ भाई ये देखो सब पानी आ गया ना ये सब वहाँ से वहाँ सब तक वहाँ सब सब जगह पानी है और ये है जब आप अभी इस साइड आप देख रहे हो ना ये सारा सूखा पड़ा है भाई तो दिन में आपका मस्त सही से दिख जाएगा भाई और ये देखो ये वाला खेत भी बाकी है ये वाला तो हो गया अभी हो जाएगा मतलब कि रात को तो हो ही जाएगा। उससे पहले मैं अपनी एक्टिवा है ना एडवेंचर एक्टिवा उसको स्टार्ट करके आते हैं पर भाई उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया ना तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो मैं जाके देखता हूँ भाई क्या ही प्रॉब्लम है फिर मैं स्टार्ट करके फिर चलते घर की तरफ वीडियो एडिट करना है मेरे को और मम्मा को लेके भी घर पर जाना है खाना वाना बनाना है भाई तो चलते फटाफट लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे जितना भी गोबर था ना भाई देखो सब फैला दिया ये भाई हमारी एक्टिवा वहाँ पे मशीन चल रहा है अपना देखो साउंड कर रहा है ना और ये पाइप लो भाई चलो ये देखो भाई स्प्लेंडर हीरो हीरो की स्प्लेंडर ये एक्टिवा स्टार्ट करके देखते हैं क्या बोल रहा है गाइस। तो भाई स्टार्ट हो गई भाई स्टार्ट हो गई चलो चलते अभी तो चलो फिर भाई इस ब्लॉग को यहीं तरह रखते हैं फिलहाल भाई मैं घर पे आ चुका हूँ जस्ट एडिट करने बैठ गया था फिर जस्ट खाना वाना खाया अभी जस्ट एडिट हो ही चुका है ऑलमोस्ट तो भाई इस वीडियो को यहीं तरह रखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखना गाइस
हमारी आरसी कार के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, उस पे है ना भाई नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखना गाइस हमको कहाँ कहाँ से कूड़ा देगी उसको, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में देखना आप लोग। बाकी इस ब्लॉग का ही बैन करते हैं, आई होप गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा, चलो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, रख लिया बाय बाय, इस समय जोर से कॉल करना ठीक है, क्या इतना फास्ट बोला भाई मैं तो, चलो बाय बाय गाइस बाय, एक दिवस स्टार्ट हो गई थी भाई, चलो बाय। राम राम भाइयों ने कभी ना।